वेलकम यू ऑल फ्रेंड्स। आज हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैंने आईटी सेक्टर से स्टॉक चूज किया है जिसका नाम रूट मोबाइल लिमिटेड है। अब हम इस स्टॉक के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, इस स्टॉक ने एक महीने में -15% का रिटर्न दिया है, इस साल की शुरुआत से 78% का रिटर्न दिया है और एक साल में 111% का रिटर्न दिया है और ये रिटर्न एफडी और म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। मतलब कि इस स्टॉक ने एक साल में ऑलमोस्ट पैसे को डबल कर दिया है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, इस स्टॉक का प्राइस सितंबर 2020 में 800 रुपए था, जून 2021 में 1700 रुपए था और अक्टूबर 2021 में 2300 रुपए था। अब हम इस स्टॉक का सीएजीआर कैलकुलेट करेंगे। इसका बिगिन वैल्यू 800 रुपए लेंगे, फाइनल वैल्यू 2300 रुपए लेंगे और टाइम ऑफ ईयर एक साल लेंगे और इस स्टॉक का सीएजीआर 2300 / 800 / 1 - 1 = 2.87 - 1 = 1.87 निकलकर आ जाएगा। अगर हम इस स्टॉक के पिछले एनुअली रिटर्न की बात करें तो इस स्टॉक ने 187% का एनुअली रिटर्न दिया है जो कि बहुत ही ज्यादा है, लेकिन हम इसके हिसाब से कैलकुलेट नहीं करेंगे और हम मान के चलेंगे कि ये स्टॉक एनुअली 30% का तो रिटर्न दे ही सकता है। हमारा इस स्टॉक में टोटल इन्वेस्टमेंट 17 शेयर का होगा जिसका करंट प्राइस 2000 रुपए के आसपास है और टोटल इन्वेस्टमेंट 34000 रुपए निकलकर आएगा। हम इसे 25 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे जिसका सीएजीआर 0.30 लेंगे और इसका फ्यूचर वैल्यू 2,39,91,794 रुपए निकलकर आएगा। अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसका फ्यूचर वैल्यू 64,61,687 रुपए निकलकर आएगा। अगर आप 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसका फ्यूचर वैल्यू 17,40,320 रुपए निकलकर आएगा। अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसका फ्यूचर वैल्यू 4,68,718 रुपए निकलकर आएगा और ये डिसाइड आपको करना है कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। अब हम इस स्टॉक के फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस स्टॉक का मार्केट कैपिटल 11,275 करोड़ रुपए है और इस स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी 6% है और ये स्टॉक 32 के पीवी मल्टीपल पर मिल रहा है। इसका पीई रेशियो 592 है और इसका ईपीएस मीन्स अर्निंग पर शेयर 3 रुपए है। हालांकि इस स्टॉक का वैल्यूएशन तो बहुत ही महंगा है, लेकिन स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। अगर हम इस स्टॉक के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो इस स्टॉक का फाइनेंशियल ट्रेंड भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब हम इस स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, 65% की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है, 15% की हिस्सेदारी एफआईएस के पास है और 4% की हिस्सेदारी अदर इन्वेस्टर के पास है और 14% की हिस्सेदारी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है, जिसमें से अबाकस ग्रोथ फंड ने 1.98% की हिस्सेदारी ले रखी है, अबाकस एमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड ने 1.35% की हिस्सेदारी ले रखी है, गोल्डमैन सैक ट्रस्ट ने 1.53% की हिस्सेदारी ले रखी है, कुवैत इन्वेस्टमेंट ने 1.24% की हिस्सेदारी ले रखी है और इस स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है क्योंकि इस स्टॉक में फॉरेन इन्वेस्टर शामिल है। अब हम इस कंपनी के नेट सेल्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, सन 2020 में 956 करोड़ रुपए का सेल हुआ था, सन 2021 में 1406 करोड़ रुपए का सेल हुआ है और इस कंपनी के नेट सेल्स के आंकड़े बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ज्यादा समय के आंकड़े नहीं है। अगर हम इस कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो सन 2020 में 58 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था और सन 2021 में 133 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है और इस कंपनी के नेट सेल्स और प्रॉफिट के रेशियो को देखें तो बहुत ही बढ़िया है। अब हम इस कंपनी के रिटर्न रेशियो के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहले हम रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, सन 2013 में 49% था, सन 2016 में 116% था और सन 2021 में 28% है और इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 25% और 30% के बीच मेंटेन है, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। अगर हम इस कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट के बारे में बात करें तो सन 2013 में 34% था, सन 2016 में 42% था और सन 2021 में 16% और इस कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट 15% और 20% के बीच मेंटेन है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अब हम इस कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, सन 2013 में 77% था, सन 2016 में 142% था और सन 2021 में 34% है और इस कंपनी का आरओसीई 30% और 35% के बीच मेंटेन है। अगर हम इस कंपनी के कर्ज के बारे में बात करें तो इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो सन 2013 में 0.01% था। मतलब कि इस कंपनी ने कर्ज लेकर उसको बिजनेस में सही से इस्तेमाल किया था और ये कंपनी फिर दोबारा कर्ज मुक्त हो गया है। मतलब कि इस कंपनी के पास जीरो कर्ज है, मतलब कि ये डेब्ट फ्री कंपनी है। अब मैं आपको टीका टेप की वेबसाइट के जरिए इस स्टॉक के फोरकास्टिंग प्राइस को दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 5 एनालिस्ट में से 80% एनालिस्ट की राय है कि हमें इसे बाइंग करनी चाहिए।
मतलब कि चार एनालिस्ट की राय है कि हमें इसे बाइंग करनी चाहिए। और इस स्टॉक का फोरकास्टिंग प्राइस नवंबर 2022 के लिए हाईएस्ट साइड की तरफ 2813 रुपए है, जो कि फिलहाल करंट प्राइस से 44% ऊपर है। और ये स्टॉक एफडी से बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे रहा है, एंट्री पॉइंट भी अच्छा है और इस स्टॉक में 1700 रुपए के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो आप इसमें धीरे धीरे करके बाइंग कर सकते हैं। इस स्टॉक में कोई भी डिफॉल्ट प्रॉबिलिटी नहीं है, क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है, ग्रोथ बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है और आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।